नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज सुनेंगे हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थे। बहू को एक दिन मिठाई खाने का मन हुआ, उसने मिठाई खा ली और जब किसी ने पूछा तो उसने कह दिया, मिठाई तो चूहे ने खाई है। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने जरूर लेकर आऊंगा और इससे बदला लूंगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए और वो राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने उस बहू के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। फिर वो एक झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज शाम को दिया जलाती और जवार बोती, पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद भी बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए जहां वो रानी रोज दिए जलाती थी। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे कि तभी एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो उसने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को गुस्सा होकर घर से निकाल दिया। अब वो रोज मेरी पूजा करती है, भोग लगाती है और मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वो सुखी रहे। फिर सैनिकों ने ये सारी बात सुन ली और उन्होंने जाकर राजा को बताया कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया और सभी सुख से रहने लगे। तो ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।